हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम वेज फ्रेंकी बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में एक कप गेहूं का आटा, एक कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक और करीब 2 चम्मच तेल डालेंगे। सभी को मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। डो बनकर तैयार है। अब इसे 1 चम्मच ऑयल से कोट कर लेंगे। हम इसे कोट इसलिए कर रहे हैं जिससे ये सूखे ना और सॉफ्ट ही बना रहे। अब इसे एक कपड़े से ढक देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गई हैं, एक बार डो को देख लेते हैं। इसे फिर से कोट लेंगे। इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। अब तवा गरम करेंगे। जब तक तवा गरम हो रहा है तब तक हम चपाती बना लेंगे। इसके लिए एक लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। काफी पतला बेलना है। अब इसे तवे पर सेक लेंगे। हल्का सा रेडिश ब्राउन होने पर ही पलट लेंगे। अब इस पर करीब 1/2 चम्मच घी डालकर सेक लेंगे। ज्यादा नहीं डालेंगे, हल्का ही डालेंगे और गैस को भी मीडियम ही रखना है। देखिए, हल्का रेडिश ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी चपाती भी बना लेंगे। सारी चपाती बन चुकी हैं। अब इसकी फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंकी मसाला बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
चम्मच अमचूर पाउडर, और एक चम्मच नमक डालकर सभी को मिला लेंगे। फ्रेंकी मसाला बन गया है, अब हम फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए 4 से 5 आलू लेंगे, जिन्हें हमने पहले ही उबाल कर और छील कर रख लिया था। अब इन्हें एक बाउल में मैश कर लेंगे। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज, 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक, इसमें बारीक ही डालेंगे जिसे अच्छे से मिल जाए और मिलाते हुए इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें 1/4 कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे। इसे हमने ब्रेड को पीस कर बनाया है, इससे मिक्सचर टाइट हो जाता है। और 1 चम्मच फ्रेंकी मसाला डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मिक्सचर अभी चिपचिपा है, इसलिए इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अगर आपको मिक्सचर चिपचिपा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ब्रेड क्रम्स डालकर इसे टाइट कर सकते हैं। अब इसे टिक्की की शेप देंगे। लंबी शेप देंगे। देखिए टिक्की बन गई है, अब इसे प्लेट पर रखेंगे, लेकिन सीधे प्लेट पर नहीं रखेंगे वरना ये चिपक जाएगा। इसलिए प्लेट पर थोड़े से ब्रेड क्रम्स फैलाएंगे जिससे ये प्लेट पर बिल्कुल भी ना चिपके। इसी तरीके से बाकी टिक्की भी बना लेंगे। अब एक पैन गरम करेंगे। सारी टिक्की भी बन चुकी हैं। अब पैन पर 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। टिक्की को थोड़ा प्रेस करेंगे और फिर पैन पर रखेंगे। अब इन्हें पलट लेंगे। थोड़ी देर सेकने देंगे। देखिए अच्छे से सेक चुकी हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी को भी सेक लेंगे। टिक्की बन चुकी है। अब हम 2 बड़े चम्मच मेयोनीज और 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस लेंगे। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर
कर लेंगे। मिक्स हो गई है, सारी चीजें बन चुकी हैं। अब सारी चीजों को असेंबल करके फ्रेंकी बनाएंगे। इसके लिए चपाती लेंगे और उस पर सॉस लगाएंगे। चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे। थोड़ा सा पनीर घिसकर डालेंगे। अब इसे फ्रेंकी के शेप में फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से बंद कर देंगे। फ्रेंकी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये बच्चों को काफी पसंद आती है। आप इसे बच्चों में पराठों से भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।